75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाला विशाल तिरंगा यात्रा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी की नेता रूबी यादव रही मौजूद। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी देश के कोने कोने आज केवल तिरंगा ही लहरा रहा है। चारों तरफ केवल देशभक्ति की धुन सुनने को मिल रही है। झंडा फहराने के साथ साथ लोग अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से इस त्यौहार को मना रहे हैं और देश के प्रति समर्पित उन आज़ादी के दीवानों को याद कर रहे हैं। आज रजोकरी गांव में भी विशाल बाइक तिरंगा रैली दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रूबी यादव के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बाइक सवार हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता की जय के नारे के साथ यात्रा निकली, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा पूरी रजोकरी गांव घूमने के बाद गांव के ही शिव मंदिर में पहुंची, जहां झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता और दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रूबी फोगाट यादव ने सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा श्री रामनाथ जी हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भारती के चरण कमलों में यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। अजय जी, रजोकरी गांव में शायद आप पहली बार आ रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद में, आज यहाँ पर झंडा तो किस तरह से काम नहीं दे रहे हैं, किस तरह काम हो रहा है? देखिए, रजोकरी गांव एक दिल्ली की सीमा का गांव है। बहुत ही देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राम भक्त यहाँ लोग रहते हैं। आज रूबी यादव जी जो यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और साथ ही साथ महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सेना में हैं, आज तिरंगे को सलामी देते हुए तिरंगा रोहण किया और मंदिर में मत्था भी टेका। सभी देशवासियों और रजोकरी गांव के निवासियों को हमने आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के संदेश को भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज हमें जो संकल्प लेना है उस संकल्प को सिद्ध करना है और विकसित राष्ट्र बनाना है, मजबूत देश बनाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है। आज हर देशवासी, हर गांववासी उसको तत्पर है काम करने के लिए। जय हिंद।